हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद इरफान आ रहे हैं फ्राम मीर हाजी खुदाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज स्टैंडर्ड जाम मोहम्मद। टुडे इज़ अबाउट द लेक्चर अबाउट एमसीक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द लॉन्च एंगल ऑफ द लोकस्ट इज 15 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 10 मीटर, दैन टेक ऑफ स्पीड ऑफ द लोकस्ट इज। इसमें हमें डिग्रीज दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, ओके ठीक है, रेंज दी हुई है और हमसे इसी इनिशियल स्पीड पूछी है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करें, आर की जगह पर आप ये रखें 10 मीटर, राइट ठीक है, साइन 2 थीटा, 15 डिग्री मल्टीप्लाइड 2 दैट इज़ 30, साइन 30 की वैल्यू में उसको डिवाइड करें आर के साथ और जी को मल्टीप्लाई करें आर के साथ 9.8 के साथ, स्क्वायर रूट लें बोथ साइड्स, आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर होगा 14 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले गए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट इफ़ इट टू हिट अ टारगेट ऑफ 1000 किलोमीटर अवे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ अगर 45 डिग्री फॉर्मूला रखते हैं दैट इज sin 90, sin 90 इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला विल बी जस्ट लाइक दिस, सो जस्ट मल्टीप्लाई जी बाई आर and take the square root on both sides and put the values given, okay, then you will get the answer that is 130.5, okay, option A is right. Question number 3, if the speed of the object moving in a circle is double, then centripetal force, तो mass same रखा गया है, radius same रखा गया है, just आपके पास speed को डबल किया गया है, तो आपको मालूम है कि फार्मूला इसका क्या होता है, एफ इज इक्वल टू व्हाट इज फार्मूला ऑफ सेंटीपेटल फोर्स। सेंटीपेटल फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट ठीक है। अब जब आप इसमें वेलोसिटी को डबल करके लिखेंगे तो 2v आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, इसका मतलब है कि जो फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बाय द बॉडी इज। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि सेंटीपेटल एक्सेलेशन हुआ करती है, बाकी कोई भी एक्सेलेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लीनियर एक्सेलेशन जस्ट इज अ थ्योरेटिकल, सो ऑप्टेंड एक्सेलेशन दैट इज़ व्हाट सेंटीपेटल एक्सेलेशन व्हिच कैन बी ड्राइव फ्रॉम द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग सर्कुलर मोशन। और ये चैप्टर नंबर 4 में आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ पर्सन राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड कवर द डिस्टेंस 62.8 मीटर बाय हैविंग 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाइसाइकिल, द रेडियस ऑफ द रिम ऑफ द व्हील इज, सिंपल है, आप एस इज इक्वल टू, ये आर्क लेंथ के लिए फार्मूला यूज होता है, एस इज इक्वल टू दैट इज 2 पाई आर, राइट ठीक है 2 पाई आर। अब इसमें आर एस की वैल्यू कितनी दी हुई है ज़रा चेक करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस दैट इज 62.8 मीटर, 10 रेवोल्यूशंस, 2 पाई मीन्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, इफ वी हैव बीन गिवन 10 रेवोल्यूशंस विद यू इट मीन्स वी मल्टीप्लाई 10 बाय 2 दैट विल बी 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14, इसकी जो आंसर हो उसको डिवाइड कर दें 62.8 से, तो रेडियस हमें मिल जाएगा, ओके। ये यहाँ तक ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा देन यू विल गेट द आंसर, ओके ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ इफ़ अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड कीपिंग ऑर्बिटल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दैन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही जैसे आपको मैंने कहा सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम करना आसान है, देखो मास दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, दिस वन इज़ द मास, राइट, दिस वन इज़ द वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूले में दिया हुआ है,
और रेडियस इसमें दिया हुआ, दैट इज़ 1 मीटर, तो दैट्स वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट। द आंसर इज 16। द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, दिस इज द फॉर्मूला, इट्स वेरी इजी, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के लिए जो फार्मूला यूज होता है ऑलरेडी आपकी बुक में ड्राइव है, दैट इज ए एक्स माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर। ओके, मूव फॉर द नेक्स्ट वन। द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्किल व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड। तो जब भी कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है किसी सर्किल में, तो उसका आपस का जो डिस्टेंस होता है वो हम थीटा से लिखते हैं, राइट। बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ए। ओके, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ पार्टिकल विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इज रोटेटिंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर रेडियस आर, देन द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी वी इज, सिंपल रिलेशन, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, विच सेज दैट द लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी व्हाइल द रेडियस इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। सो ऑप्शन बी इज राइट। मूव फॉर द नेक्स्ट वन। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी और साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन। तो फार्मूले में देखें तो साइन 2 थीटा दिया होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12। 1 रेडियन इज इक्वल टू, दैट इज 57.3 डिग्री, ये आप ट्राई भी कर सकते हैं और आपकी बुक में मौजूद भी है। क्वेश्चन नंबर 13। 1 डिग्री इज इक्वल टू, ईजिली ड्राइव हो सकता है, ये आपस में इंटरचेंज है, इंटर कन्वर्टेड होते हैं, रेडियन कन्वर्टेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री एंड डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। ओके, अच्छा नेक्स्ट मूव कर जाए इसमें क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, दैट इज़ यूनिफॉर्म। अगर एंगुलर ना भी हो, जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में करते हैं, तो इफ अ बॉडी इज कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो सेम ऑप्शन इज हेयर, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलेशन इन SI सिस्टम इज, दैट इज रेड पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। रेड अक्सर आप ना भी दें, क्योंकि रेडियंस जो है ये रेशो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज का, तो इसको आप यूनिटलेस बना भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिखें या फिर रेड पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें तब भी ठीक है, सही है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 5 पे मूव करेंगे और उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। और ये रेगुलर क्लासेस के लिए भी वैलिड है क्वेश्चंस, और इंट्रेंस टेस्ट वगैरह के लिए भी वैलिड है, लेवल 1 पर है। जब हम लेवल 1 कम्प्लीट कर लेंगे दोनों बुक्स का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर का, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लेवल 2 पे मूव कर जाएंगे, जो कि मोस्टली इंट्रेंस टेस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंट्रेंस टेस्ट में दिए जाते हैं। सो आप इसको फोकस होकर पढ़ें, स्टडी करें, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।